नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में मैराथन दौरे करेंगे, चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिलहाल किसी भी सिटिंग सांसद को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में किसी भी सांसद विधायक के बेटे को भी टिकट मिलने की संभावना बेहद कम है। 23 जनवरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी का तूफानी दौरा करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर मेरे साथ ही रविकांत ज्यादा विस्तार से मेरे साथ में जुड़े हैं खबर के साथ में। जी रविकांत, ये कहा जा रहा है कि किसी भी सिटिंग सांसद या सांसद के या विधायक के बेटे को भी टिकट नहीं देगी पार्टी। देखिए नैना, चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक किसी भी प्रकार से फिजिकल रैली पर लगा रखी है, इसीलिए 23 तारीख से दोबारा आकलन किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख से उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने ये तय किया है कि जितने भी सांसद हैं जो अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं, अपनी बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट मिलने की बहुत कम संभावनाएं हैं और किसी भी प्रकार से पार्टी उन लोगों को टिकट नहीं देगी जिनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम जताई जा रही हैं। इसके साथ ही जो लोकसभा के मौजूदा सांसद हैं उनको चुनाव मैदान में विधानसभा में पार्टी उतारने नहीं जा रही है, ये भी लगभग लगभग तय कर लिया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास वेस्टर्न यूपी और ब्रज की जिम्मेदारी है। ये दोनों ही एरिया जो है किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ बताए जा रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों ही इलाकों की बागडोर खुद अपने हाथों में ले रहे हैं और पार्टी ये उम्मीद जता रही है कि 2017 में जो पार्टी की वो भी वेस्टर्न यूपी में इस बार दोहराने जा रही है, क्योंकि जाट वोटर और किसान उनसे व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं है। केंद्र और राज्य की सरकारों ने किसानों के लिए जो भी अच्छे काम किए हैं उसके आधार पर किसान और जाट वोटर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। लेकिन रविकांत, एक महत्वपूर्ण ये भी बात सामने आ रही है कि जो भी कोई सांसद या मौजूदा विधायक है उनके परिवार, विशेष तौर से उनके बेटों को टिकट पार्टी नहीं देगी, इस बारे में भी ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, पार्टी ने ये तय किया है कि एक परिवार से एक सदस्य को ही टिकट दिया जाएगा। अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है तो उनके बच्चों को पार्टी टिकट नहीं देगी। इसी बात की नाराजगी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और एक दो और मंत्री और विधायक जिनके टिकट कटने की संभावनाएं थी वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन पार्टी ने यह तय किया है कि सांसदों के बेटे या बेटियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आम कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जिनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल बताई जा रही है। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रविकांत बता रहे हैं कि फिलहाल अब 23 तारीख से गृह मंत्री अमित शाह मैराथन दौरे कर सकते हैं, चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में जुटने वाले हैं।